दो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है 3S लॉर्न इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आज का जो LM2 का डिस्प्ले है उसमें जो फॉल्ट रहता है, वो फॉल्ट को हमको बिना ड्राइंग में कैसे उसका फॉल्ट को सॉल्व करने का है। अभी इसका जो पूरा सेटिंग कहाँ पे क्या होता है, उसका मॉड्यूल नंबर कौन सा इनपुट में सप्लाई नहीं आ रहा है, कौन सा आउटपुट में सप्लाई नहीं आ रहा है, पूरा इसके बारे में पूरा आपको पूरा दिखाऊंगा और उसके मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसे होता है। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। इस और इसमें इनपुट कहाँ पे जाता है, कहाँ पे ऑफ ऑन होता है, तो इसके बारे में बताऊंगा। और मेरा चैनल में अब नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसमें इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी चलते, अभी मैं इसको पूरा दोबारा दिखाऊंगा आपको। अभी इसमें क्या है, इसमें अलार्म आ रहा है। अलार्म में क्या, इमरजेंसी स्विच का फॉल्ट आ रहा है, तो उसमें इनपुट जो PLC इनपुट का 104-23 नंबर में ऑफ दिखा रहा है। तो इसमें क्या करने का, सर्विस में जाने का, सर्विस में जाके वो HS स्टार्टअप में जाके उसमें देखने का 100 कितना है, 104-23 नंबर में वो जो है ऑफ दिखा रहा है, वो ऑन जो होगा ग्रीन लाइट आएगा, रेड मतलब ऑफ है। तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि हमारा इमरजेंसी का सिग्नल ये मॉड्यूल नंबर में नहीं आता है, इसका जो इनपुट में नहीं आता है, ये जो है मॉड्यूल आउटपुट का है। तो इसमें इसका और उसके बाद इसका सेटिंग जो रहता है, इसका सेटिंग, मशीन सेटिंग, प्रोसेस सेटिंग, ये प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। उसमें प्रोग्राम डालेगा तब सही चालू होगा। उसके बाद सर्विसिंग है, सर्विसिंग में फॉल्ट जो है, जो हमारा मशीन का जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट पूरा शो करता है। जैसा इसमें लो प्रेशर आ रहा है, लो एयर प्रेशर आ रहा है, ऐसे अलग अलग फॉल्ट आता है। तो इसमें पूरा, इसमें जो मॉड्यूल नंबर है, मॉड्यूल नंबर में इनपुट और आउटपुट कहाँ पे मिसिंग होता है, ऑफ ऑन होता है, इसमें पूरा ये शो कर लेगा। तो आपको क्या है, ड्राइंग का जरूरत पड़ेगा नहीं, इसमें बिना ड्राइंग में आपको फॉल्ट मिल जाए।